सो आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के इसी नए फोन के बारे में जिसका नाम है नोकिया 5.4, जिसे नोकिया ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। सो नोकिया अपना पुराना फोन लेके आ चुका है, नया फोन लेके आ चुका है अपने पुराने इंडियन मार्केट में, जो काफी टाइम से नोकिया ने कोई फोन लॉन्च नहीं किया था। तो अभी फिलहाल नोकिया ने एक नया फोन लॉन्च किया है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो इसके डिजाइन की बात करते हैं तो एक सिंपल सा डिजाइन है, पीछे राउंड शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, पीछे नोकिया की ब्रांडिंग है एंड एक फिंगरप्रूफ बोल सकते हैं या वाटरप्रूफ टाइप का देखने को मिलता है। एंड इसके कैमरे की बात करें तो आपको इसके अंदर 48 मेगापिक्सल प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरास देखने को मिलते हैं। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, स्मूथ 60 fps रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, सिनेमा मोड है एंड काफ़ी सारे कलर मोड है, ग्रेड मोड एंड बहुत सारे मोड हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। एंड 6.39 इंच की HD प्लस स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक नॉर्मल सा डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले है। एंड इसी के साथ क्वालकम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4G की रैम के साथ एंड 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो आपको 2 डे का बैटरी लाइफ दे देगी। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू और स्पेसिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।